नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश भारत और सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज मतलब अभी स्थिति जो हमारी मतलब कुछ ऐसी है, हम लोगों की दुनिया भर में, देश भर में, दुनिया भर में कहीं पे भी आप देख लो तो सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है, क्योंकि ये वायरस, कोरोना वायरस के चलते सभी मतलब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और मतलब अभी तो हाय हेलो करने का भी टाइम नहीं है हमारे पास, मतलब कि किसी से अच्छे से हाय हेलो बात कर लें, क्योंकि अभी इतना सीरियस चीज़ चल रही, इतना सीरियस बीमारी है जो फैला हुआ है। लेकिन मतलब मैं क्या, मतलब बहुत से लोग नाराज़ हैं मतलब इस चीज़ पे, क्योंकि अभी जब ये मतलब ये बीमारी से जब हम लोग सब कोई को मिल के लड़ना चाहिए, तो कुछ लोग हैं जो मुस्लिम्स को ब्लेम कर रहे हैं, कुछ हिंदू और कुछ मुस्लिम्स हिंदू को ब्लेम कर रहे हैं, मतलब हिंदू मुसलमान चल रहा है, कोई इसको ब्लेम कर रहा है, कोई उसको ब्लेम कर रहा है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है उससे कोई उसको कोई उसको कोई नहीं देख रहा है कि क्या है, कि ये बीमारी से हम कैसे लड़ेंगे। लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये चीज़ सही नहीं है कि अगर आप लोग, हम लोग अपने में ही लड़ेंगे, अगर मैं किसी को दो बात मतलब कोई गलती बोलूँगा कि हाँ भाई तुम्हारे वैसे ही हुआ, या वो मुझे बोलेगा तुम्हारे वैसे ही हुआ, ना देखे बगैर कि हम मतलब अभी किस सिचुएशन में, किस सिचुएशन से पूरा वर्ल्ड गुजर रहा है और हम इस चीज़ में लगे हुए हैं, तो मतलब मेरे को लगता है क्या, मतलब हम लोग इंसान कहाँ कहाँ, ये क्या हो गया, हमें हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ, हमको अभी भी समझ में नहीं आ रहा। और ये बीमारी इतनी मतलब डेंजरस है, आप लोग देख ही रहे हो कि कैसे लोग मर रहे हैं इसमें, सब कुछ लोग जाने गवा दे रहे हैं, इतना इतना सीरियस बीमारी है, फिर भी लोग बात नहीं मान रहे हैं, लॉकडाउन का ना पालन कर रहे हैं कहीं, मतलब बहुत जगह पालन नहीं करते हुए दिख रहे हैं, और वीडियोस बना रहे हैं कि मतलब बाहर निकल के मैं दिखा, मतलब बाहर निकल के दिखा रहे हैं कि मैं तो बाहर घूम रहा हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता। तो ये सब चीज़ें जो है, मतलब ये सब बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ वाली चीज़ है। तो आप लोग जो कर रहे हो, कहीं पे देख रहा हूँ कि कोई लोग मतलब नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों को मतलब रेसिज्म हो रही है वहाँ, वो लोग को बोल रहे हैं कि तुम लोग वायरस लेके आओ, तुम लोग चाइना से आए हो, या इस तरह की बातें, वो मतलब तुम लोग बाहर से फॉरेनर्स हो, तुम लोग वायरस को लेके आए हो, तुम लोग ये हो। तो ये सब चीज़ें करके हमें क्या मिल रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि एट एंड ऑफ द डे हम कुछ मतलब पॉजिटिविटी नहीं फैला रहे, हम सिर्फ नेगेटिव ही सब जगह फैला रहे हैं समाज में, चाहे पूरी दुनिया को हम ये दिखा रहे हैं कि हम मतलब इसके इससे लड़ने के बजाय हम इस मतलब हम ये सब चीज़ें करेंगे, जबकि पूरी दुनिया कोशिश कर रही है, हर एक कंट्री अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि इस वायरस को कैसे रोकें, हम लोग इसका कैसे सोल्यूशन निकल जाए, कुछ वैक्सीन निकल जाए, कुछ मतलब हो जाए, कि हम लोग सब डॉक्टर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब पुलिस वाले लोग अपने रात रात भर 24/7 ड्यूटी कर रहे हैं, सब कोई डॉक्टर्स ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कि जो सिर्फ नेगेटिव फैलाने में पड़े हुए हैं, कि हाँ वो उस मतलब उस रिलीजन का इसने ये बोल दिया, उसके रिलीजन ने ऐसा कर दिया तो ऐसा हो गया, ये सब करने में सब लगे पड़े हैं, लेकिन कोई एक साथ नहीं आ रहा कि हाँ भाई इस बीमारी से हम कैसे लड़े, इस बीमारी का हम कैसे ख़त्म, कैसे हम लोग मतलब मिल के सब एक साथ इसको मतलब हम लोग डट कर सामना करें, लेकिन कोई ऐसा कर नहीं रहा, सब एक दूसरे को गाली देने में लगे हुए हैं, सब एक दूसरे को ब्लेम करने में लगे हुए हैं, यहाँ पे कोई कुछ से कोई कोई मज़हब के नाम पे ब्लेम कर रहा है, कोई कोई मतलब उसके रेसिज्म पे उसको ये ब्लेम कर रहा है, सब कुछ इसी में लगा हुआ है। तो भाई ये सब चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन मतलब इससे मतलब मैं पूरा पूरा मतलब ये हो गया, पूरा मतलब बहुत ही मुझे मतलब दुख पहुंचा है कि यार लोग अभी भी ऐसा कर रहे हैं, जबकि इतनी सीरियस बीमारी है। मैं देख रहा था वीडियोज़ इंडिया में, इंडिया की वीडियोज़ देख रहा था, फेसबुक में भी रोज़ हर दिन कुछ ना कुछ कोई किसी को ब्लेम ही कर रहा है, कोई जय श्री राम का नारा लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये सब नारा ठीक है, आप किसी चीज़ को मानते हो, अच्छी बात है, आप मानो, सब कोई अपना अपना रिलीजन फॉलो करे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी रिलीजन में ये तो नहीं लिखाना कि हम किसी का बुरा कर लें, किसी का बुरा चाह दें या किसी का बुरा हो जाए, ये तो किसी भी रिलीजन, किसी भी ये इसमें नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप ये सब मत करो। फेसबुक में मैं देखता हूँ कितने सारे लोग पोस्ट डालते हैं, हेट कमेंट्स डालते हैं, तो ये सब चीज़ें करके क्या मिलता है आपको, वो उसको बोल रहा है और वो उसको ब्लेम कर रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसमें चल रहा है, तो आप ऐसा मत करिए प्लीज़, ऐसे यही आपसे रिक्वेस्ट मेरी हाथ जोड़ के कि आप लोग ऐसा काम मत करिए प्लीज़, क्योंकि अभी हम लोग बहुत ही मुश्किल घड़ी में हैं, और पीएम हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो भी आके हर बार एक ही बात बोल रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ लॉकडाउन का पालन कीजिए, हर स्टेट्स के सीएम बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप लॉकडाउन का पालन कीजिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं कि जो मतलब जानबूझ कर बाहर निकल रहे हैं और बाहर मतलब ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज़ ये सब आप ना करें, ठीक है, आपकी भलाई के लिए भी ये सही और सब लोगों की भलाई के लिए है, क्योंकि अभी ये हर दिन बढ़ रहा है, आप देखो ये इस वायरस का जो ये है मतलब केसेस हर दिन बढ़ रहे हैं, वो कहीं पे भी हो, कहीं पे कम नहीं रहा, हर दिन वो केसेस बढ़ ही रहे हैं, तो प्लीज़ इसको रोकने के लिए हम सबको एक साथ आना होगा, लॉकडाउन का प्लीज़ पालन कीजिए, प्लीज़ अपने घरों में रहिए और जितना हो सके अवेयरनेस फैलाइए और पॉजिटिविटी फैलाइए प्लीज़ यार, आप लोग अच्छा ही फैलाइए ना, अगर आप किसी का बुरा नहीं कर सकते तो मतलब अगर आप सॉरी आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो प्लीज़ बुरा भी मत कीजिए किसी का, है ना,
तो क्यों ऐसा कर रहे हो आप लोग? प्लीज़ ऐसा मत करो आप लोग, जो भी है फेसबुक में जो भी लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारे देखता हूँ मैं ग्रुप में ये सभी चल रहा है, दिन भर वो ही चल रहा है पूरा, मतलब पूरा ये कर दिया आप लोगों ने, मतलब पूरा सच में यार दिल तोड़ दिया। प्लीज़ ऐसा नहीं था हमारा, ये हमारा वर्ल्ड ऐसा नहीं है, ना हमारा इंडिया ऐसा है। तो इंडिया की जो जो ये है, जो रियल मतलब हमारी जो है ना, हम मतलब हमें कहते हैं अतिथि देवो भव, हमारे इतना सारा हमारे कल्चर्स ऐसे हैं, मतलब इतना रंग बिरंगा हमारा फेस्टिवल्स होता है, तो प्लीज़ आप उसको ऐसे उसकी डिग्निटी को ऐसे मतलब वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि हमारी जो डाइवर्सिटी है ना वो हमारी यूनिटी को प्रेजेंट करती है। तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, हम लोग सबको एक साथ आगे करना है, सब कुछ करना है। देखो हर कंट्री सब कुछ अपनी पूरी कोशिश कर रही है, तो हमें भी वही करना है। प्लीज़ आप हेटेड मत फैलाओ कहीं पे भी, और बस यही मेरा मैसेज था आप लोगों से, प्लीज़ ऐसा मत करो। आज मेरा वीडियो डालने का यही मेन मकसद था कि मैं आप लोगों तक कुछ मतलब अवेयरनेस अगर फैला सका तो फैला दूँ, चाहे कितने भी यार 400-500 लोग तभी अगर मैं दे सकूँ, तो आप उसको प्लीज़ मतलब उस आप भी कुछ जो है आप अपने पूरा अवेयरनेस फैलाइए, लोगों में जागरूकता कीजिए यार, नेगेटिविटी मत कीजिए, पॉजिटिविटी फैलाइए और अच्छी बातें कीजिए, और इस संघर्ष की घड़ी में सबको को साथ मिल के खड़े होना। ओके चलिए, बस मैं इतना ही कहूँगा आप लोगों से कि बस आप लोग अपना ख्याल रखिए, और प्लीज़ ये सब काम मत कीजिए कि ये फेसबुक पे या कहीं पे भी कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे प्लीज़ आप नेगेटिविटी मत फैलाइए, और ना ही कुछ गलत बोले, क्योंकि अभी हम ब्लेम करके कोई फ़ायदा नहीं किसी को, ब्लेम करके ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, हमें देखना है कि हम उस सिचुएशन से कैसे निकले, इस मुसीबत घड़ी से कैसे निकले, हमें वो देखना है। ओके तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोग से हाथ जोड़ के कि आप लोग प्लीज़ ऐसा मत करिए, और बस सही से रहिए, और मतलब हाथ धोइए बराबर, अपने आप को हाइजीन अपना हाइजीन पूरा मेंटेन कीजिए, बस यही कहूँगा। ओके चलिए मिलता हूँ, जय हिंद।